अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चे, हम लोग आज नया एक लेसन स्टार्ट करेंगे विच इज शेयरिंग इज केयरिंग। इस चैप्टर की आज हम रीडिंग पहले स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग की एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। सो लेट स्टार्ट। शेयरिंग इज केयरिंग इज द नेम ऑफ द टॉपिक एंड द फर्स्ट लाइन इज द ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीली एंड पीसफुली इज केयरिंग अदर्स एंड शेयरिंग वंस बिलोंगिंग टू अदर्स विदाउट एनी हेजिटेशन एंड वरी। जो जिंदगी में खुश और पुरसकून रहने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप दूसरों की केयर करो और अपने उन लोगों से, अपने उन प्यारों से अपनी हर वो चीज़ शेयर करो जिनको, जिनकी उनको ज़रूरत है। मतलब आपको इस चीज़ में ये चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मैं अपनी चीज़ उसको दे दूंगा तो फिर मैं कैसे वो चीज़ लूँगा। आप लोग दिल पूरे खुले दिल से अपनी चीज़ से शेयर करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसके बदले में आपको कोई एक नई और अच्छी आपकी चीज़ दे देगा। तो अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो इसके लिए दो ही रूल्स हैं। एक, आप दूसरे जो आपके प्यारे हैं उनकी आप केयर करो, जो आपके आस पास हैं, आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज हैं, जितने भी लोग हैं उनकी आप केयर करो। और दूसरा, उनसे हमेशा आप अपनी चीज़ें शेयर करो। चीज़ें शेयर करने का एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि जब आप क्लास में होते हो, स्कूल में आते हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि आपका साथ वाला दोस्त आपका कोई लंच वगैरह नहीं लेके आता, तो कोशिश किया करो कि आप अपने लंच में उसका भी हिस्सा बनाओ और अपना लंच उनके साथ भी शेयर किया करो। इस तरह लंच में बरकत भी होगी, आप दोनों की थैली भी भरी जाएगी और अल्लाह पाक आपसे खुश भी होंगे। ठीक है, ओके। केयरिंग इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी। केयरिंग इज डिवाइन प्रॉपर्टी। इट इज सेड दैट अलमाइटी अल्लाह केयर्स अ पर्सन मोर देन 70 मदर्स। मतलब ये एक आपकी जो है ना, ये रूहानी भी एक खसूसियत है, ये दीनी खसूसियत है कि अल्लाह ताला ने, ये तो आपने बहुत अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से, वो बंदा गुनाहगार है, नेक है, कोई भी वो बंदा है, अल्लाह अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वट इज केयर? इट इज़ नथिंग देन लव, पैशन एंड काइंडनेस और फॉर अदर्स। मतलब केयर का क्या मतलब है? केयर कुछ और चीज़ नहीं है। केयर का मतलब है सिर्फ आप अपने प्यारों को, जो आपके आसपास हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनसे प्यार से बात करो, उनकी उनके लिए थोड़ी हमदर्दी जाहिर करो, जब भी उनको आपकी ज़रूरत हो आप उनके पास हो। तो केयर इज़ नथिंग एट ऑल, सिर्फ आपका टाइम ही आपके प्यारों को चाहिए होता है और आपकी थोड़ी सी हमदर्दी और आपका प्यार जो है वो आपके प्यारों के लिए बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट केयरिंग रिलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑफ पेरेंट्स हु केयर मोस्ट ऑफ देयर फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा केयरिंग का खूबसूरत अगर आपको कोई एग्जाम्पल देखनी हो तो वो ये है, इस दुनिया में रहकर। वैसे तो अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक तो अपने बंदों से उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मतलब 70 माओ से ज़्यादा वो प्यार करते हैं। लेकिन अगर दुनिया में हमें, हमारी सोसाइटी में अगर कोई बेस्ट केयरिंग की एग्जाम्पल देखनी है तो वो ये है। माँ की आप एग्जाम्पल ले लो, आप अपने पेरेंट्स की एग्जाम्पल ले लो, मतलब अपनी अपनी हर खुशी आप पे कुर्बान कर देते हैं, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। आपके फादर सारा दिन आप बाहर, घर से बाहर काम करते हैं, आपकी मदर आपके पसंदीदा खाने बनाने के लिए रोज किचन में खड़े हो, कितने घंटे अपना टाइम लगाती। तो मोस्ट जो ब्यूटीफुल एग्जांपल है केयरिंग की वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए कितनी केयर शो करते हैं। ठीक है, ईच टाइम दे शो देयर लव टू देयर चिल्ड्रन बाय फीडिंग देम। वो हर दफ़ा अपने बच्चों को खिला के अपना प्यार शो करते हैं, बाय गिविंग देम गिफ्ट, उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर अपना प्यार शो करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्रोटेक्शन एंड शेल्टर एंड बाय प्रोवाइडिंग देम विद बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू सक्सेस। माँ बाप का प्यार इस तरह का होता है कि वो अपनी, बार दफ़ा आप अगर कहीं, छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दूँ, आप ईद वगैरह पे देख लो, ईद वगैरह पे अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो बाबा की हमेशा यही बात होती है कि ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने लिए ले लो या बच्चों के लिए ले लो। तो ये माँ बाप का आपके लिए केयर ही होती है, प्यार होता है। माँ हमेशा सारा दिन आपके लिए बहुत मेहनत करती हैं, मतलब घर पे रह के, चलो आउटसाइड तो वो नहीं जाती हैं, जैसे आपके हाउस वाइफ जो मदर्स होती हैं वो घर पे रह के आपके लिए खाने बनाती हैं, आपके टाइम पे आपको यूनिफॉर्म, आपके शूज़ प्रेस देती हैं आपको अकेडमी के लिए, फिर दोबारा से लंच की प्रिपरेशन, आपके कपड़े वगैरह धोती हैं, उनको प्रेस करती हैं। तो मतलब ये आपके माँ बाप अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके आप बच्चों के लिए जो इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, जो अपनी बीमारी में भी नहीं देखते हैं कि हम लोग बीमार हैं, आज हम ऑफिस नहीं जाते हैं, और लेकिन अगर उनको इस बात का डर हो कि ऑफिस नहीं जाएंगे और हमारी एक दिन की पे कट जाएगी, तो हर पेरेंट चाहता है कि अच्छा उस एक पे में शायद मेरे बेटे की या मेरे बच्चे की कौन सी ख्वाहिश पूरी हो सकती, तो वो उस बीमारी में भी ऑफिस जाते हैं। तो ये आपका पेरेंट्स का जो होता है, ये हम बच्चों के लिए प्यार होता है।
ओके जी बच्चों, फातिमा और आमना नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और एक छोटा सा लेसन आपके लिए कि आप घर में रह के, जैसे अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, आपको कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप अपने पुराने कपड़े जो आपके यूज में नहीं है वो आप अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, अपने गरीब जो हमसाए उनके साथ शेयर करके आप अपनी केयर उनके लिए शो कर सकते हो, आप अपनी मोहब्बत उनके लिए शो कर सकते हो, आप अपनी काइंडनेस शो कर सकते हो, आप सोसाइटी का एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हो। आप वो लोग जो घर पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, अभी मतलब कोविड में वो बाहर नहीं जा सकते, उनके पास अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, आप अपनी रोटी में दो निवाले भी किसी दूसरे के साथ शेयर कर लो, तो ये आपका बहुत बड़ा सोसाइटी में एक रोल होगा, और इससे ना सिर्फ सोसाइटी को फायदा होगा बल्कि अल्लाह ताला भी इससे आपकी छोटी सी नेकी से बहुत खुश होंगे। सो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।